एवरीवन, आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ रोमांटिक डेट नाइट मेकअप। सबसे पहले मैंने लगाया है बायोटिक का क्यूक्यूम्बर टोनर, और टोनर मैंने कम से कम हाफ एन आवर पहले लगा लिया था। अब मैं लगा रही हूँ कलर बार का सेटनिंग पाउडर, और ये पाउडर मैं अपने बेबी हेयर्स पर लगाऊंगी। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन, और फाउंडेशन काफ़ी थिक है इसलिए उसको थोड़ा सा पतला बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है सेटनिंग स्प्रे। सेटनिंग स्प्रे और फाउंडेशन को मिक्स करके मैंने लगाया है। हमेशा मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं टोनर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैंने टोनर यूज़ किया है। अगर सडन टेम्परेचर चेंज और वेदर चेंज से आपके हेयर और स्किन ऑयली हो जाते हैं तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। स्विस ब्यूटी का कंसीलर शेड 02 सैंड बेज, जो कि मैंने यूज़ किया है पिंपल्स हाइड करने के लिए। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैंने ऑरेंज शेड पिक किया है, मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाइट मैट शेड। जिस एरिया में मैं सिल्वर आई शेडो से हाईलाइट करने वाली हूँ वो सारे एरिया मैं पहले इस वाइट मैट आई शेडो से कवर करूंगी। मेकअप रेवोल्यूशन का वाइट मैट आई शेडो मैंने वेट करके लगाया था, और सूखने के बाद मैं ऑरेंज और वाइट आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फॉरएवर 52 का ये सिल्वर शेड मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज कर रही हूँ। सेम सिल्वर शेड से मैं अपने इनर कॉर्नर्स भी हाईलाइट कर रही हूँ, और वही सिल्वर कलर मैं अपने इनर लिड्स पर भी लगाऊंगी। ब्रश में बचे हुए आई शेडो से मैंने अपने नोज को भी थोड़ा हाईलाइट कर लिया है। अब मैं लूंगी ये रेडिश ब्राउन कलर, जिसे मैं अपने आउटर लिड एरिया पे लगाऊंगी, और इससे मैंने आउटर वी क्रिएट करने की कोशिश की है। सिल्वर एंड ब्राउन कलर के बीच में मैंने ये ऑरेंज आई शेडो प्लेस कर दिया है। तीनों कलर्स को मैंने बहुत सॉफ्टली ब्लेंड कर लिया है। अब ये सिल्वर आई शेडो मैं दोबारा से प्लेस कर रही हूँ। ये आई शेडो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का है। जैसा अभी आप देख रहे हैं, दोनों कलर बिल्कुल अलग अलग हाईलाइट हो रहे हैं। 15-10 मिनट बाद ये कलर बिल्कुल सेट हो जाएंगे और बिल्कुल एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। आउटर लोअर लैश लाइन पर भी मैंने ये रेडिश ब्राउन कलर लगा लिया है। लोअर लैश लाइन पर भी ब्राउन एंड सिल्वर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्राउन आई शेडो एज आई लाइनर, और मैं अक्सर वेट एंड वाइल्ड के डार्क कलर्स एज आई लाइनर यूज करती हूँ। लोअर लैश लाइन के भी आउटर कॉर्नर पर मैंने ये ब्राउन आई शेडो लगा लिया है। नोज कॉन्टोरिंग के लिए मैंने लॉरियल का कोको ब्राउन फाउंडेशन यूज किया है, और सेम ब्राउन फाउंडेशन से मैंने बहुत लाइट सी कॉन्टोरिंग की है। नोज हाईलाइट करने के लिए भी मैंने फॉरएवर 52 का सिल्वर शेड यूज किया है, और मैंने बहुत ही थोड़ा सा आई शेडो यूज किया है। हाईलाइटिंग के लिए मैंने लॉरियल का फाउंडेशन यूज किया है, जो कि शुरुआत में मैंने दिखाया था। फर्स्ट बेस भी मैंने बहुत लाइट लेयर लगाई थी फाउंडेशन की, और ये सेकेंड लेयर है। सिल्वर एंड पर्ल गोल्ड कलर बहुत ही हाईलाइटेड दिखते हैं कैमरा पर, तो मैंने उतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है जितना ये दिख रहा है। मैंने बहुत ही पतली सी लेयर लगाई है और ये बहुत ही हाईलाइटेड दिख रहा है।
आईलाइनर को मैंने थोड़ा सा और डार्क कर लिया है। आईब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो, और मैं हमेशा ही वेट एंड वाइल्ड का ब्राउन एंड ऑरेंज शेड मिक्स करके यूज़ करती हूँ। वेट एंड वाइल्ड आई शेडो को अगर आप वेट करके यूज़ करते हैं तो ये स्मज नहीं होते हैं, अगर आप सॉफ्टली स्मज करोगे तो ये स्मज नहीं होते हैं। Forever 52 का कोल्ड काजल, और ये काजल मुझे फ्री मिला था नायका से ऑनलाइन शॉपिंग पर। फोर और फाइव आवर्स तक बहुत आराम से ये काजल वाटरलाइन पर स्टे कर गया था। ब्लश मैं लगाने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक से। मैं इस लिपस्टिक को अपनी डेली लाइफ में भी एज ब्लश यूज करती हूँ क्योंकि मुझे इसका मैट टेक्सचर बहुत पसंद है। लिपस्टिक लगाने से पहले मैंने अच्छे से अपने होठों पे लिप बाम लगा लिया है। पहला शेड मैंने अप्लाई किया है मेबेलिन की टच ऑफ न्यूड मैट लिपस्टिक, और उसके ऊपर मैंने स्विस ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई की है शेड 03। सो मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।